तस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धर्म से जुड़ा कोई भी मसला वाकई बेहद संवेदनशील होता है और पार्वताचार्य की बात तो इतनी गंभीर कि पूरा साधु समाज आंदोलित हो उठा है। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो नागा साधु गंगा में पहले स्नान करने के लिए, खून की होली खेलने को, म्यान से तलवारें निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनके इरादे अब और खतरनाक हैं। वो तो वायलेंस वाले हैं, तो एक वायलेंस हो जाए ये हमें नहीं चाहिए पसंद। किसी जान माल खतरे में आ जाए ये हमारा ध्येय नहीं। उन्होंने दिया है, सबने विरोध किया है, लेकिन करने तो उनका भी स्वाभाविक है विरोध। लेकिन बात इतनी बढ़ी कैसे? पार्वत्याचार्य नाम के कोई चीज न पुराण में, इतिहास में, वेद में, ब्राह्मण में, कहीं किसी ग्रंथ में कहीं है ही नहीं। तो उसको विवाद के रूप में, जिसका अस्तित्व ही नहीं, कैसे विवाद करेंगे? जैसे समझ लो हरिण के सींग हो तो उसमें विवाद हो सकता है कि हरिण का है, भेड़ की है, बकरी की है, और कछुए के सींग के संबंध में क्या विवाद करेंगे? वो तो संसार में प्रसिद्ध ही नहीं है। और खरगोश के सिंह के संबंध में क्या कोई विवाद करेगा? उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पार्वती आचार्य बन करके पृथ्वी में अवतीर्ण हुई, ऐसी कोई बात होती तब तो फिर उनके पीठ में आसीन होने वाले को पार्वती आचार्य, ऐसा पार्वती और आचार्य दोनों शब्द का जो है ना वो समास भी नहीं बनता है। ये विद्वान लोग, संत महात्मा, ये सब मिलकर शंकराचार्य को पद में बैठाते हैं, योग्य व्यक्ति। और एक विदेशी महिला उसका शंकराचार्य, उसका शंकराचार्य पर्वताचार्य को उपाधि दे रहे हो, ये तो मनमानी है। पैसा का बल पर कुछ भी कर लो, और सरकार को इसको मानना नहीं चाहिए, एक विवाद पैदा करना चाहिए। और इसके लिए ये एक संघर्ष, नया संघर्ष का जो है ना रूप नहीं देना चाहिए। भारत में शांति चाहिए, हम शांति का शांति पुजारी है, पर कोई क्रांति से कोई कुठाराघात करे तो शांति से हट के हम क्रांति का रास्ता अपनाते हैं। भगवान शंकराचार्य को तो हम समाज में इसलिए स्वीकार करते हैं कि शंकरम शंकराचार्य, शंकराचार्य को स्वयं भगवान शिव का ही साक्षात अवतार हैं। शिव ही शंकर के रूप में प्रकट हुए थे, ये शंकर। और कोई भी महिला उनका अंश तो हो सकती है, परंतु कोई ये कहे कि वो साक्षात स्वयं ही हैं तो वो बात नहीं हो सकती है। तो ये पार्वताचारी से ऐसा लग रहा था कि स्वयं जैसे मानो स्वयं वही पार्वती हैं। लेकिन हमने एक बात और महसूस की, और वो ये कि विवाद किसी को पार्वताचार्य बना देने पर ही नहीं है, बल्कि कुछ हद तक झगड़ा बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के सवाल पर हुआ था। यानी पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी पर चिंता, और सवाल जब हक मांगने का हो तो परेशानी स्वाभाविक है। महिलाओं के लिए विद्वता जरूर है, दूसरे सम्मान दृष्टि से उनको सम्मान दिया जाता है, शंकराचार्य का पद नहीं दिया जाता। ये हमारे विधान में भी नहीं है और हमारे शास्त्र में भी नहीं है। कभी था ही नहीं महिला, शंकराचार्य, शंकराचार्य पुल्लिंग है, वो पुल्लिंग का जब स्त्रीलिंग कहाँ से घुसा रहे हो, लिबलिंग बना रहे हो उसे। हम कहते तो हैं कि महिलाओं को आप बराबरी का दर्जा दीजिए, पर अभी पुरुष हृदय इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि अभी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, फील्ड्स हैं, जिसमें महिलाएं पीछे ही रहें तो अच्छा है। तो विरोध सिर्फ इसीलिए हुआ कि ये पार्वताचार्य के पदवी से इनको अलंकृत क्यों किया जा रहा है, एक नई परंपरा की स्थापना क्यों की जा रही है। एक और वजह सामने आई जिसे कैमरे के सामने बोलने के लिए हरिद्वार में कोई तैयार नहीं हुआ। हाँ, कैमरे के पीछे एक स्वामी ने इतना जरूर कहा कि महिलाएं हर महीने अपवित्र होती हैं, इस हालत में वो शंकराचार्य कैसे हो सकती हैं? एक सप्ताह का उसका पीरियड होता है मासिक धर्म का, उस समय पवित्र होंगी, फिर शंकराचार्य पार्वताचार्य कहाँ जाएंगे?
वो तो प्रकृति की वजह से है, प्रकृति उसमें महिला का क्या दोष है? इसीलिए प्रकृति की वजह से ही इसी कमी के कारण तो संज्ञान किया गया। इसको लेके, इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेके कि ये क्योंकि महिला है, बहुत ही एक ऑब्वियस और साइंटिफिक इसका जवाब ये है कि ये महिला तो 60 साल की ऊपर की आयु की है, तो इनको आप माँ के रूप में देखिए। ये अब महिला के उस जो विवाद रहता है कि महीने में कुछ दिन महिलाएं इस तरह से रहती हैं कि वो धर्म में हिस्सा ना ले पाएं और उनको कुछ अपने इन कार्यों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, और उनको एक तरह से यूँ समझा जाता है कि ये इस वक्त थोड़ी मैली हैं। मैं ये तो कह रही हूँ कि ये तो 60 साल से ऊपर की महिला है, इनके साथ तो बायोलॉजिकली भी सब कुछ ये खत्म ही हो गया है। जाहिर है मां योग शक्ति का काफी विरोध। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर होने के नाते मां योग शक्ति की भागीदारी भी कुछ कम नहीं, लेकिन असली सवाल अस्तित्व की लड़ाई का है। मीरा भक्ति में श्रेष्ठ थी, उन्होंने भी घर त्याग दिया और भक्ति का प्रचार किया, स्वयं भक्त थी। और इंदिरा गांधी ने राजनीतिक क्षेत्र में कुछ किया, भंडार नायक ने लंका में कुछ किया, लंदन में मार्गरेट थैचर ने बहुत कार्य किया, इसी तरह से माताओं ने काफ़ी काम किया है। प्राचीन समय में कैकेयी भी युद्ध में जाती थी, सीता भी राम के साथ वन में गई, उन्हें जाना आवश्यक नहीं था लेकिन साथ दिया उन्होंने। तो इस तरह से माताओं ने जहाँ जहाँ उनमें योग्यता रही हमेशा साथ दिया है, पुरुषों का साथ दिया। अरुंधति तपस्या में बड़ी श्रेष्ठ, फिर से स्मरण करना। बात घूम फिर कर वहीं आ रही कि जब हर जगह महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है तो धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं। साधु समाज के जबरदस्त विरोध को देखते हुए मां योग शक्ति इन दिनों खामोश है, लेकिन उनका विचार फिलहाल जीवित है। हम किसी को अप्रसन्न नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये संकल्प मेरा 20 साल पहले उठा था कि मरने के पहले मैं किसी स्त्री को उच्च पद पर बिठाते जाऊँ। महात्माओं ने मेरे को समझाया सब, जैसे आप आते जाते रहते हैं, आपका स्नेह रहेगा, ये सब रहेगा तो सब चीज़ें बदल जाएंगी। अखाड़े से हैं तो इन महंतों ने हमें समझाया कि नहीं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो धीरे धीरे सब काम होता है। इनमें हम 100 मील तो नहीं चल सकेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा करके पहुँचेंगे। तो इसलिए माताओं को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, उन्हें माता भी बनना है, उन्हें भगनी भी बनना है, उन्हें पुत्री भी बनना है, उन्हें गुरु भी बनना है, दोनों बनना है, क्योंकि माता पहली गुरु होती है। तो ये था एक और नजरिया। माँ योग शक्ति की लड़ाई बहुत लंबी है लेकिन नामुमकिन नहीं, कम से कम उनका भरोसा तो यही आभास दिलाता है। हमने बहुत ईमानदारी से एक विचार, एक नजरिया आपके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम भी इससे सहमत हैं। आज बस इतना ही, हमें इंतजार रहेगा आपके सुझावों का। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Yeah.